पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पर दर्ज करे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथातथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। बीजेपी सरकार पर अक्सर सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लिस्ट निकालते हुए ईडी सीबीआई पर बड़ा आरोप लगाया है। राघव चड्ढा के मुताबिक 2014 से अब तक सीबीआई ने जितने भी करप्शन के केस दर्ज किए हैं उनमें 95% विपक्षी नेताओं पर है। पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पर दर्ज करे। 95% ऑफ दी करप्शन केसेस, अलेज्ड करप्शन केसेस रजिस्टर्ड बाय दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंस 2014 टू 2022 हैव बीन केसेस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन। मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। समाजवादी पार्टी, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएमके, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम, वामपंथी, सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसीपी, 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। डीएमके, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। पीडीपी, 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा। टीआरएस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। ये सीबीआई की कार्यशैली। राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि जो भी नेता बीजेपी का दामन थाम लेता है उसके खिलाफ सारे केस बंद हो जाते हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथातथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। आप नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 2022 सितंबर में आई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स, आधिकारिक दस्तावेजों, एजेंसी के बयानों और रिपोर्टों की एक जांच से पता चला है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 सालों यानी 2004 से 2014 के दौरान कम से कम 72 नेता सीबीआई जांच के दायरे में आए थे। इनमें से 43 नेता यानी
करीब 60% विपक्ष में से थे, लेकिन 2014 के बाद 8 सालों में कम से कम 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इनमें से 118 विपक्ष से थे, यानी कि ये आंकड़ा 95% तक पहुंचता है। बीजेपी सरकार पर अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया है। उनके मुताबिक कानून अपना काम कर रहा है। देखना होगा विपक्ष के दावों में कितना दम है, क्या वाकई बीजेपी की तरफ से राजनीतिक बदले की भावना को लेकर कार्रवाई की जा रही है, या फिर वाकई ऐसे नेता सीबीआई और ईडी के जांच के घेरे में हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।